हेलो वेलकम गाइस। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसेंचर द्वारा स्टार्ट किए गए ऑफ़र लेटर के बारे में। सो एसेंचर ने स्टूडेंट को ऑफ़र लेटर सेंड करना स्टार्ट कर दिया। ये ऑफ़र लेटर आपको डिपेंड किया है, ये ऑफ़र लेटर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन है आपके सर्वे पे जो इस TCS ने, सॉरी एसेंचर ने सर्वे टास्क दिया था, एक ऑनबोर्डिंग सर्वे टास्क दिया था, उस ऑनबोर्डिंग सर्वे टास्क के डिपेंड पे। सो बहुत सारे स्टूडेंट को ऑफ़र लेटर जो मिला है ऑनबोर्डिंग का, वो मिला है आपको 14 अगस्त का, बहुत सारे स्टूडेंट को 24 अगस्त का है। सो ये अलग अलग डेट हो सकता है। तो सर आपका क्या डेट है आप कमेंट करके हमें बताओ कि आपका जो ऑनबोर्डिंग डेट मिला ऑफ़र लेटर का वो क्या डेट है। बाकी और हम लोग कुछ कुछ बात पे बात करेंगे। सो अगर आपको अब तक ऑफ़र लेटर के लिए ईमेल नहीं आया है आपको, तो आप हमें वो भी बता सकते हो कमेंट करके, ठीक है। अगर आपको मिल गया है तो आपका लोकेशंस क्या है, बहुत सारे को प्रॉब्लम आई कि उन्होंने लोकेशन जो सेलेक्ट किया था प्रीफर 1, 2, 3 अलग अलग उन लोकेशन दिए थे, तो उनको किसी को प्रीफर 1 का ही लोकेशन मिल गया है, किसी को लोकेशन 2 मिला है, किसी का 3rd लोकेशन मिला है, तो ये सारे डिपेंड कर रहे हैं, तो इन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ईमेल दिखा देता हूँ, फिर हम लोग इन सारे क्वेश्चन पर बात करेंगे। ज्वाइनिंग लोकेशन क्या होगा, ये ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, आपको कहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ हम लोग बताएंगे। तो पहले आप ईमेल देख लो। ये अगर आपको ईमेल दिख रहा होगा तो ये एसेंचर की तरफ से ईमेल आया हुआ है। ईमेल है आपको कॉन्ग्रेट्स ऑफर फ्रॉम एसेंचर। सो ऑफकोर्स ऑफर एसेंचर ने स्टार्ट कर दिया है। सो अगर आप देखोगे तो ये ईमेल आ गया है आपको, इसमें सारे डिटेल्स आपके रहते हैं। उसके बाद ये इन्होंने नेम मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो देखोगे क्या है, डियर जो भी नाम है वो, दिस इज़ रिस्पेक्ट योर एप्लीकेशन एंड सबसिक्वेंट राउंड ऑफ डिस्कशन यू हैड विद अस, वी आर प्लेस्ड टू एक्सटेंड एन ऑफर टू ज्वाइन एसेंचर इन इंडिया। काइंडली नोट यू विल रिसीव अ सेपरेट ईमेल टू रिसेट योर पासवर्ड। तो ऑफकोर्स जब आपको ज्वाइनिंग के लिए ईमेल आएगा ऑनबोर्डिंग का, तो आपको पासवर्ड रिसेट करने के लिए कहा जाएगा, और आपको उसके लिए भी सेपरेट ईमेल आने वाला है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आप देखोगे इन्होंने कुछ स्टेप्स मेंशन कर रखे हैं, क्या है वो, प्लीज़ फॉलो बिलो स्टेप टू एक्सेस व्यू योर ऑफर लेटर। तो आपको ऑफर लेटर अब मिलेगा, आपको वो ऑफर लेटर देखना है। तो क्या है, क्लिक ऑन द लिंक, ये लिंक पे आपको क्लिक करना है, वहाँ जाके आपको लॉगिन करना है रजिस्टर के द्वारा, देखोगे। एंड लॉगिन साइन इज अ कैंडिडेट यूजिंग योर रजिस्टर्ड कैंडिडेट क्रेडेंशियल। सो आपका रजिस्टर क्रेडेंशियल जो भी होंगे, आपका रजिस्टर्ड ईमेल होंगे, उसके पासवर्ड होंगे, उससे आपको क्या करना, लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद यू विल बी डायरेक्टेड टू योर प्रोफाइल पेज। ऑफकोर्स लॉगिन करने के बाद आपको प्रोफाइल डैशबोर्ड आएगा, वहाँ ऑफर लेटर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक ऑन ऑफर लेटर, क्लिक हेयर टू व्यू द डिटेल्स, इस ये लिंक पे आपको क्लिक करना है। एंड इंटर योर यूनिक रेफरेंस आईडी। सो आपको यूनिक रेफरेंस आईडी आपको इसी ईमेल में यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख रहे हो, ये यूनिक रेफरेंस आईडी आप डालोगे। यूनिक रेफरेंस आईडी डालने के बाद आपको क्या करना है, देखोगे, एंड इंटर योर यूनिक रेफरेंस आईडी मेंशन एट द टॉप ऑफ ईमेल, कैंडिडेट आईडी एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, क्लिक ऑन ऑथेंटिकेट ऑफर लेटर। फिर इसके बाद क्या करना होगा, आपको ऑफर लेटर को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको मोबाइल पे OTP जाएगा, आपको वो OTP भी सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे एन OTP इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इंटर द OTP एंड क्लिक सबमिट। फिर इसके बाद क्या है, द ऑफर लेटर एंड टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी लिस्टेड अलॉन्ग विथ अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, यू मे डाउनलोड प्रिंट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड रिव्यू देम, रिक्वेस्ट यू टू वेरीफाई द डिटेल्स इन ऑफर लेटर रिलीज ऑन। सो आपको जो ऑफर लेटर मिलेगा, तो उस ऑफर लेटर के सारे डिटेल्स को आपको वेरीफाई कर लेना है कि कहीं कोई डिटेल्स आपके गलत तो नहीं हैं उसमें। अगर गलत हैं तो फिर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, उनको रिस्पॉन्स रिप्लाई करके आपको उनसे सही करवाना पड़ेगा। उम्मीद है कि कोई भी गलत नहीं ही होगा उसमें, सारे चीज़ क्लियर ही होंगे। तो अब बात आता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि क्या स्टेटस लर्निंग मॉड्यूल का रहा है, लर्निंग मॉड्यूल इनका कंप्लीट हुआ है कि नहीं। जो दोस्तों सभी का लर्निंग मॉड्यूल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये आपको ऑफर लेटर लर्निंग मॉड्यूल से पहले भी आ गया है, तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। दूसरा है कि व्हाट वाज ज्वाइनिंग लोकेशन। सो देखो दोस्तों, ज्वाइनिंग लोकेशन आपको पता है, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे, रजिस्टर कर रहे थे, तो लोकेशन आपसे पूछा गया था। तो ये लोकेशन ना रेंडमली लिया गया, ऐसा नहीं कि आप लोकेशन अगर आप कुछ दिए हो, कोलकाता सपोज दिए हो, तो आपको कोलकाता ही होगा, जो उन 3 में से जो प्रीफर होगा लोकेशन आपको वहाँ मिल गया होगा, जो उनको लाइक वैकेंट सीट मिल रहे होंगे जहाँ के जगह के हिसाब से, राइट। तो इसके लिए आप वरी नहीं करना। हाँ ऑफकोर्स अगर आप चेंज करना है तो बाद में आप लोकेशन आपकी चेंज हो जाएगी, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा है कि इट विल बी ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग और ऑफलाइन। तो ऑफकोर्स ब्रो, आज के दौर में ये इन कोरोना वायरस के टाइम में ये सारा ऑनबोर्डिंग आपका, या फिर ज्वाइनिंग बोलो या ऑनबोर्डिंग, सारा ऑफलाइन ऑनलाइन ही होने वाला है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग करना है, आप लोग ऑफलाइन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ऑफिस में, लाइक एसेंचर के आपको ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है लोकेशन पे, ये सारा आपका ऑनलाइन होने वाला है।
ठीक है। तो अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करो, मैंने आपको ऑफ़र लेटर के लिए ईमेल जो आया है दिखाई दिया है। अब मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा जिसमें ऑफ़र लेटर में सारे डिटेल्स जो हैं उन डिटेल्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑफ़र लेटर में टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं, असेसमेंट के क्या डिटेल्स हैं, उन सारे पर बात करेंगे। ठीक है, तो फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर लो। अगर आपको लगता है कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं तो आप वो भी कमेंट करो, हम उस टॉपिक पे रिसर्च करेंगे, उस टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, देन हम आपको आप तक उसका इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। तो फिर यार दोस्तों बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप अपना सपोर्ट हमें बनाए रखो, हम लोग आगे भी अच्छा करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।